फिर समुद्र के बीचों बीच में स्थित होने पर ये दरगाह पानी में डूबती क्यों नहीं है? कहा जाता है हाजी अली शाह बुखारी अपनी माँ से आज्ञा लेकर व्यापार करने पहली बार अपने घर से निकले थे। वो मुंबई के वर्ली इलाके में रहने लगे थे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो यहाँ पर रहते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। शाह ने इस बात की जानकारी अपनी माँ को दे दी थी और अपनी धन संपत्ति को बेचकर धर्म के प्रचार में निकल गए थे। कहा जाता है हाजी अली सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, जहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है उनका अंतिम संस्कार अरब में होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई की इसी जगह पर आकर रुक गया था। इसके बाद हैरान करने वाली बात तो ये रही कि पूरी रास्ते ये ताबूत ना तो डूबा और ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। ऐसा माना जाता है वो ताबूत समुद्र में बहते हुए वापस मुंबई आ गया था। इसके बाद से ही जो लोग हाजी अली को मानते थे, उन्होंने इस चमत्कार को देखते हुए इस जगह इस दरगाह को बनाने का निर्णय लिया। मान्यता है आज भी समुद्र तेज ज्वार के वक्त भी हाजी अली के सम्मान में कभी भी अपने दायरे को नहीं तोड़ता है। तो जाना आपने, हाजी अली ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के प्रचार में लगा दी थी। साथ ही उनके ताबूत से जुड़ा ये चमत्कार वाकई बहुत हैरान करने वाला है। धर्म बंधन से परे इस दरगाह में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी इबादत करते हैं। इस दरगाह का चमत्कार ही तो है कि इसे देखने के लिए बाहरी मुल्कों से भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन मांगी मुरादों को पूरा करते हैं। वैसे इस दरगाह का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। हाजी अली शाह बुखारी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सूफी संत थे जो ईरान से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। इसके साथ ही और भी बातें जुड़ी हैं इस दरगाह से, चलिए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। भारत में अरब मुल्कों और फारस से ख्वाजा गरीब नवाज जैसे कई ऐसे संत हुए हैं जो अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने में गए। बताया जाता है संत फकीर तभी आए जब उन्हें खुद लगा या फिर पैगंबर मोहम्मद का निर्देश मिला। खबरों की माने तो सूफी संतों ने भारत में बसकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्हीं में से एक संत थे पीर हाजी अली शाह बुखारी। बताया जाता है बुखारी ईरान से भारत आए थे। मुस्लिम लोगों का विश्वास है कि खुदा की राह में जिन सूफी संतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जान कुर्बान कर दी, वो आज भी अमर हैं। उनका दर्जा शहीद का है और उन्हें शहादत ए हुक्मी कहा जाता है। इन्हीं में से एक हैं पीर हाजी अली शाह बुखारी, जिनके जिंदा रहते और मौत के बाद भी कई चमत्कारी घटनाएं होने की बातें सामने आती हैं। खबरों की माने तो कहा जाता है हाजी अली शाह ने शादी नहीं की थी और उनके बारे में जो कुछ भी मालूम चला वो दरगाह के ट्रस्टी और पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनी जा रही किस्सों से पता चला है। इस बारे में जो रिपोर्ट्स में बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार एक बार पीर हाजी अली शाह बुखारी उज्बेकिस्तान में एक वीरान जगह पर बैठे नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक महिला वहां से रोती हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उसने बताया कि वो तेल लेने गई थी, लेकिन बर्तन से तेल गिर गया और अब उसका पति उसे ऐसा करने पर मारेगा। फिर पीर उस महिला को लेकर उस स्थान पर गए जहां पर तेल गिर गया था। पीर ने उस महिला से बर्तन लिया और हाथ का अंगूठा जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और बर्तन भर गया। लेकिन इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बुरे बुरे सपने आने लगे। उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में धंसा कर पृथ्वी को जख्मी कर दिया था। उसी दिन से वो गुमसुम रहने लगे और बीमार पड़ गए। फिर अपनी माँ की इजाजत लेकर वो अपने भाई के साथ भारत रवाना हो गए और मुंबई की उस जगह पहुँच गए जो दरगाह के करीब है। उनका भाई वापस अपने मुल्क लौट गया। पीर हाजी अली शाह ने अपने भाई के हाथ माँ को एक खत भिजवाया और कहा कि उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए अब भारत में रहने का फैसला कर लिया है और इस बात के लिए उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी। पीर हाजी अली शाह अपने अंतिम समय तक लोगों और श्रद्धालुओं को इस्लाम के बारे में ज्ञान बांटते रहे। अपनी मौत के पहले उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वो उन्हें कहीं दफन ना करें, उनके कफन को समंदर में डाला जाए। उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई और ये दरगाह शरीफ उसी जगह है जहां उनका कफन समुद्र के बीच एक चट्टान पर आकर रुक गया था। इसके बाद उसी जगह पर साल 1431 में उनकी याद में दरगाह बनाई गई।